शंकर भाट को पुलिस ने उठा लिया है, उसे पेश भी किया था, उसकी तस्वीरें भी हैं, और जो संतोष है वो फरार है। आरोपी ने बताया कि मैं गोली मार करके आया हूं, उसके बावजूद पुलिस को सूचना नहीं दिया, कारतूस निकले, ये बताया जा रहा है कि ये भी उसी गोली कांड के दरमियान ही जो है यूज़ में आए थे और उसके बाद रखवाए गए थे। कि अमित जोश की बहन वो भी अपराध में शामिल है। एक अपराधी अमित जोश, जिसके पीछे 8 और लोग अपराधी प्रवृत्ति के, जिनका नाम अब सामने आया है, लेकिन अभी तक अमित जोश सामने नहीं आया है, जिसको लेकर के पुलिस लगातार जांच कर रही है। अमित जोश जब से फरार है तब से पुलिस की नींद उड़ी हुई है, लगातार जांच पड़ताल करने की कोशिश, और कोशिश के दौरान तमाम सारी तोड़फोड़ वाली कार्रवाई अमित जोश के घर, उसके बहनोई के घर पे, और वहाँ से क्या कुछ सामने आया है वो पूरी अपडेट सुनाने के लिए मैं सीमांत कश्यप आपके बीच हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं, और हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है पुलिस की तरफ से, और उसके बाद जो कुछ हासिल हुआ है, जो सामने आया है, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अमित जोश जो है, जिसने 26 तारीख को एक कांड को अंजाम दिया था, गोली कांड, जिसके बाद से लगातार जो है भिलाई शहर में चर्चा बनी हुई थी, इसमें उसके साथ 3 और लोग थे। 3 और लोग कौन कौन? यशवंत नायडू, दूसरा सागर और तीसरा अंकुर शर्मा। ये तीनों में से सागर जो है फरार है, बाकी अंकुर और यशवंत नायडू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के दूसरे दिन यानी कि कल की तारीख को, जब सेक्टर 6 सड़क नंबर 31 अमित जोश के घर पे जा कर के BSP के तमाम अधिकारी के साथ साथ पुलिस बल वहाँ पहुँचता है, और जब तोड़फोड़ होती है तो उस तोड़फोड़ में अमित जोश की माँ बिजी मोरिस, और जो कि बाहर निकलती हैं रोते हुए, जिनका घर टूट रहा था वो देख रही थी, रो रही थी, उनके घर से भी जिंदा और खाली कारतूस बरामद हुए हैं। इसी के साथ साथ जब सेक्टर 6 से अपना पड़ाव BSP और दुर्ग पुलिस लेकर के सेक्टर 5 अमित जोश के बहन और बहनोई के घर पहुंचते हैं, जहां पर BSP के मकान में अवैध रूप से वो लोग रह रहे थे कब्जा करके, वहां पर जब तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, तो उसके दौरान वहां पर जो है अमित जोश के घर को जब खंगाला गया, अमित जोश के बहनोई के घर, बहनोई का नाम है लक्की और लक्की और बहन का नाम है प्रिया, तो इन दोनों के घर जब खंगाले गए तो वहाँ से अलमारी में से पिस्टल निकला। पिस्टल के साथ 2 मैगजीन और जिंदा और खाली कारतूस भी बरामद हुए। आपको बता दें कि अमित जोश की माँ के घर पे जब तलाशी ली जा रही थी तो वहाँ से जो कारतूस निकले, ये बताया जा रहा है कि ये भी उसी गोली कांड के दरमियान ही जो है यूज़ में आए थे और उसके बाद रखवाए गए थे। और जब जेल से छूटने के बाद अमित जोश ने अपनी माँ को वो कारतूस दिए थे, बोले थे कि इसे छुपा के रखना। तो ये सारी अपडेट जो है अभी अभी जो एडिशनल SP सुखनंदन राठौर और तमाम अधिकारी जो मौजूद थे उनके समक्ष ये सारी चीज़ें पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताई गई, जिसको लेकर के ये रिपोर्ट सामने आई है। आगे क्या कुछ अपडेट है वो भी लगातार हम दिखा रहे हैं, और गोली कांड के बाद से अमित जोश को पकड़ने को लेकर के क्या कुछ गतिविधियां पुलिस अपना रही है ये तो अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन इसके बाद का जो अपडेट रहेगा वो भी लगातार KP न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि अमित जोश के पीछे के 8 लोग, अब 8 लोग कौन कौन है? अमित जोश एक अपराधी तो है ही, उस दिन इसके साथ 3 दोस्त और थे, यशवंत, सागर और अंकुर। अंकुर और यशवंत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, सागर जो है फरार हो गया। इसके बाद बाकी के जो लोग बचे, जैसे कि अमित जोश की बहन, वो भी अपराध में शामिल है, दूसरा उसका जो अमित जोश के जीजा हैं वो भी अपराध में शामिल है, जिसके घर से पिस्टल निकला है, उसी के साथ अमित जोश की माँ। और इतने में ही ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये भी बताया गया है कि अमित जोश जब भिलाई से कांड करके फरार हुआ तो वो बलौदा बाज़ार के एक भाटापारा एक जगह है वहाँ पहुँचता है, और वहाँ धुरंधर वार्ड है वहाँ पहुँचता है, और वहाँ पर जिसने उसे सह दी थी उसमें से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। वहाँ पर 2 लोग के घर वो रुका था, शंकर और संतोष के यहाँ। शंकर भाट को पुलिस ने उठा लिया है, उसे पेश भी किया था, उसकी तस्वीरें भी हैं, और जो संतोष है वो फरार है। तो लगातार पुलिस जांच कर रही है, आपको उन तीनों का चेहरा दिखा रहे हैं। शंकर भाट जिसने उसे शह दिया, अमित जोश की माँ का चेहरा देखिए, और अमित जोश के बहनोई का चेहरा देखिए। तो लगातार ये स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, और क्या कुछ अपडेट रहेगा ये भी हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। भिलाई नगर थाना क्षेत्र में जो विगत दिवस गोली चालन की कार्रवाई हुई थी, जिसका मुख्य आरोपी अमित जोश के कल घर को बेजा कब्जा जो था, अवैध निर्माण था, उसको ढहाया गया,
इसी बीच वहां जब सर्चिंग कार्रवाई की गई तो वहां 2 नग खाली कारतूस और 4 नग जिंदा कारतूस मिला, जिसमें उसकी माँ को आरोपी बनाया गया है। आम सेक्टर के तहत कार्रवाई की गई है और उसके जीजा जो गुंडा बदमाश है बीजार्ज, उसके घर जब तलाशी ली गई तो 1 पिस्टल, 2 नग मैगजीन और 5 नग जिंदा कारतूस मिले, जिस पर आम सेक्टर की कार्रवाई की गई है। चूंकि ये घटना में प्रयुक्त हथियार को अपने पास रखा था, उसके षड्यंत्र में शामिल था और पहले किसी प्रकार की कोई जानकारी सहयोग पुलिस को नहीं किया, इस आधार पर उसमें 212 IPC के तहत इसको भी उस मुख्य अपराध में संलिप्तता पाए जाने से कायम किया गया है। आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड दाखिल किया जाएगा। इसी क्रम में एक आरोपी भाटापारा बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी को एक रात अपने घर में रखा था, तो वहाँ जब हमारी टीम गई तब वहाँ मुख्य आरोपी वहाँ से निकल गया था। इसने बताया कि जब आरोपी ने बताया कि मैं गोली मार करके आया हूँ, उसके बावजूद पुलिस को सूचना नहीं दिया और आरोपी को सहयोग किया, इस आधार पर उसको शामिल कर अपराध में शामिल कर पंजीबद्ध किया गया है और गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, क्या लोकेशन मिल रहा है, पुलिस की क्या? पुलिस की टीम लगातार पतासाजी कर रही है, तलाश कर रही है, उम्मीद है जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा।